हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक होगा ब्लड, जिसे आप हिंदी में बोलते हो रुधिर। ओके गाइस, देखिए मैं आपको ब्लड के बारे में बताती हूँ। तो गाइस देखिए, आपको कुछ चीजें लिखा हुआ दिख रहा होगा। ब्लड जो होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड को हम कितने नामों से जानते हैं। ब्लड को गाइस हम तीन नामों से जानते हैं। फर्स्ट नंबर रक्त, दूसरा खून, तीसरा रुधिर। ब्लड को आप तीन नामों से जानते हैं, रक्त, खून और रुधिर। ओके गाइस, अब बात करते हैं गाइस कि ब्लड जो होता है उसकी खोज किसने की थी। ब्लड की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी गाइस? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओके, तो आपको इतना कंफर्म हुआ गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किन किन पदार्थों से मिलकर बना है और ब्लड हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है। तो देखिए बच्चों, ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ब्लड के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हमें ब्लड से प्राप्त होता है। इसलिए गाइस हमारे शरीर को ब्लड की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड कितने पदार्थों से मिलकर बना है। देखिए गाइस, ब्लड जो हमारा होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों पदार्थों से मिलकर बना होता है। गाइस, ब्लड हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों पदार्थों से मिलकर बना होता है। और दूसरी चीजें, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों पदार्थों से मिलकर तो बना होता है गाइस, लेकिन जो उसको सॉलिड भाग होता है, जो उसका सॉलिड भाग होता है वो आरबीसी से और डब्ल्यूबीसी होता है, जो किससे मिलकर बना होता है? प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। मतलब कि जो आरबीसी सेल और डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं वो किससे बना होता है? प्लेटलेट से। और लेकिन जो द्रव भाग होता है, मतलब कि जो लिक्विड भाग होता है, वो किससे मिलकर बना होता है गाइस? वो हमारा पानी और नमक तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे? पानी, नमक और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? प्लाज्मा। तो देखिए, मैंने कॉपी में लिखा भी है आपको, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए और आपका रिवाइज मतलब कि लिख सके भी। देखिए गाइस, जो हमारा सॉलिड होता है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से बना होता है। मतलब कि जो सॉलिड पदार्थ होता है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। और जो लिक्विड भाग होता है गाइस, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो वाटर, साल्ट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है जिसे आप प्लाज्मा कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा गाइस? तो गाइस चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए गाइस, ब्लड में आपको आपने कई चीजें देखा है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इन सब की बात करते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस किसकी? आरबीसी की। आरबीसी, देखिए गाइस, जो हमारा ब्लड होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? तो आरबीसी का यूज क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का यूज क्या होता है और प्लेटलेट्स का यूज क्या होता है? तो बात करते हैं सबसे पहले। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी की। देखिए गाइस, आरबीसी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सर्कुलेशन। तो गाइस देखिए, आरबीसी जो होता है वो क्या कार्य करता है? वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसको हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? लाल रुधिर कणिका। दूसरा गाइस, बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं सफेद रुधिर। क्या बोलते हैं? सफेद रुधिर। ओके गाइस, जिससे हम सफेद रुधिर करते हैं, जो हमारे शरीर को संक्रमण से प्रतिरक्षित रखने का काम करता है। क्या करता है गाइस? वो हमारे शरीर को संक्रमण से प्रतिरक्षित रखने का कार्य करता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के कीटाणुओं से या फिर जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कौन गाइस? डब्ल्यूबीसी। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या करता है गाइस? प्लेटलेट्स जो रहता है वो हमारी हड्डियों का स्वस्थ रखकर, हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखकर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखकर नई कोशिकाओं का निर्माण। ओके गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ गई प्लेटलेट्स। तो गाइस देखिए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का यूज हमने आपको बता दिया है, ठीक है? अब देखिए, एक बीच में बात आती है प्लाज्मा की, है ना? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा गाइस जो द्रव का भाग होता है, जिसे आप क्या कहते हो? पानी कहते हो। जो नमक और प्रोटीन और साल्ट, मतलब नमक, प्रोटीन और पानी से मिलकर जो बना होता है और जो द्रव का भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए, आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब गाइस, हम आपको बताते हैं कुछ अलग से, है ना?
ब्लड का कितना वेट होता है, ब्लड क्या कितने बड़े होते हैं, कितना होता है हमारे शरीर में, कितने इसकी अवधि होती है, इन सारी चीजों को जानकारी आपको मैं दे रही हूँ। ओके गाइस, देखिए ब्लड हमारे शरीर में 4.5 से कितना गाइस, ब्लड हमारे शरीर में 4.5 कितना गाइस, 4.5 से गाइस कितना होता है हमारे शरीर में, 4.5 से 5.6 लीटर होता है। गाइस हमारे शरीर में 4.5 से 5.6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। ओके, दूसरी चीज है, देखिए ब्लड गाइस एक हवा की तरह होता है, ठीक है। ब्लड जो हमारा होता है एक हवा की तरह होता है, जैसे आप ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही गाइस ब्लड के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते हैं। एक चीज और देखिए बच्चों, आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं, इस चीज को आप नोटेट करिएगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो हम बड़े बच्चे होते हैं, जैसे कि आप ये हम कह सकते हैं 18 ईयर्स वाले लोग होते हैं, उनमें अगर मतलब कि ब्लड की मात्रा क्या होती है, ब्लड की जो मतलब की मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। बड़े लोगों में शरीर के उनके भार से 8 से 10% ज्यादा ब्लड होता है। कितना, जैसे मान लेते हैं कि 18 साल का कोई लड़का है तो उसका 8 से 10% भाग ब्लड उसके शरीर में ज्यादा होता है, मतलब उसके शरीर के भार से 10% ब्लड उसके शरीर में होता है, उससे मतलब 10% ज्यादा ब्लड उसके शरीर में होता है। ओके गाइस, दूसरी चीज है ब्लड डोनेट करने की बात करते हैं। देखिए गाइस, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन कितना, आप ब्लड डोनेट एक व्यक्ति ब्लड 500 ml ब्लड को दान कर सकता है एक बार में। एक बार में आप 500 ml ब्लड को दान कर सकते हैं। गाइस आप ब्लड 500 ml कितना गाइस, 500 ml एक बार में ब्लड दान कर सकते हैं, लेकिन आप पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप डोनेट कर भी देते हैं। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होती है, अगर आप बाय चांस धूप में निकलते हैं, जैसे कि आप ब्लड डोनेट करने के बाद धूप में चले गए तो आपको काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपको चक्कर आएगा, आपको कमजोरी सी महसूस होगी। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ब्लड को डोनेट करने के बाद कभी भी हमें धूप में ज्यादातर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई ज्यादा गंभीर की वाली बात नहीं है, मतलब ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इसी प्रकार आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आप चोट लग जाता है और ब्लड 1 से 2 लीटर ब्लड आपके शरीर से बह जाता है, तो जो हमारा शरीर का हार्ट होता है, मतलब कि जो हमारे शरीर का हृदय होता है, उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा मतलब कि बढ़ जाता है, मतलब कि हमारा हृदय ब्लड प्रेशर को कायम नहीं कर पाता है। ओके गाइस, तो बात करते हैं, देखिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है गाइस। दूसरी चीज है, एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों ने देखा होगा ब्लड को, कि जब हमारे शरीर से ज्यादातर ब्लड निकल जाते हैं, मतलब हमारे शरीर में ब्लड की कमियां हो जाती है, ब्लड की कमजोरी हो जाती है, तो हमारा शरीर पूरा पीला, तो गाइस तो ब्लड हमारे शरीर का क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। कब, जब हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कम होती है। तो आपने कभी गौर किया होगा या फिर गौर नहीं भी किया होगा तो आप देखना हमेशा कि जब भी किसी शरीर में, जब भी किसी बॉडी में ब्लड की मात्रा कम होती है गाइस, तो हमारे शरीर का जो मतलब कि रंग होता है वो हमेशा पीला हो दिखने लगता है, मतलब हमारी आंखें पीली होने लगती है, कभी कभी हाथ के जो बीच का स्किन, मतलब कि जो आपके हाथ के बीच का भाग होता है, हथेली जिसे आप बोलते हो, वो भी हमारा क्या पीले कलर का होने लगता है। ओके, तो गाइस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता रही हूँ, आप उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर गाइस मैं आपको थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरी वीडियो थोड़ा फास्ट बनती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं स्लो बनाऊं, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब मैं आपको आगे प्रोसेस बताती हूँ। गाइस ब्लड में हमारे एक चीज और होती है, जो ब्लड हमारे शरीर का एक बूंद, ब्लड का हमारे शरीर का एक बूंद, मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका एक बूंद 250 मिलियन सेल होता है। मतलब ये समझिए गाइस कि हमारे शरीर में एक बूंद का ब्लड, मतलब कि हमारे शरीर में केवल एक बूंद जो ब्लड होता है उसमें 250 मिलियन सेल पाए जाते हैं, ठीक है गाइस। कितने, 250 मिलियन सेल पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ गाइस उसमें 450 प्रति की दर से वो दौड़ते हैं। हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, ब्लड उसमें 450 की दर से दौड़ती है, और उस पूरे दिन में 9600 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। और दूसरी चीज है गाइस, फिर से देख लीजिए,
हमारे शरीर का एक बूंद, मतलब हमारे शरीर के ब्लड का एक बूंद जो 250 मिलियन सेल पाया जाता है, मतलब कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसके एक बूंद में ही केवल 250 मिलियन सेल पाया जाता है और 450 प्रति दर से हमारे शरीर में दौड़ता है, मतलब कि हमारी नसों में 450 किलोमीटर की दर से हमारे शरीर में दौड़ता है और 9600 किलोमीटर में दूरी में एक दिन में वो पूरा करता है। और गाइस एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में लगभग 0.2 मिलीमीटर गोल्ड होता है, जो हमें कहाँ से प्रॉब्लम होती है, इसकी सबसे अधिक मात्रा हमें ब्लड में पाई जाती है, मतलब कि लगभग 0.2 मिलीमीटर गोल्ड होती है जो हमारे शरीर में, इसकी सबसे अधिक मात्रा ब्लड में पाई जाती है। तो मतलब कि गाइस देखिए गाइस, मैंने आपको जितना चीजें बताया है इसमें हर एक पॉइंट टू पॉइंट है, आप पॉइंट टू पॉइंट अगर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब गाइस मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करना चाहती हूँ, ठीक है। आपको मैंने ब्लड के बारे में काफी कुछ बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको जब भी मैं आपकी जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ब्लड के बारे में, तो ब्लड की ग्रुप के डिस्कवरी के बारे में बताऊंगी कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी मतलब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कैसे हुआ था, कौन कौन सी चीजें होती। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लड के ग्रुप के बारे में सारी जानकारी दूंगी। ओके गाइस, मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ओके थैंक यू, आपको हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके थैंक यू गाइस।